देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले। अगर मान लीजिए कोई भी पति या पत्नी जिसका डाइवोर्स हो चुका है, उनके पास बाल बच्चे हैं, या फिर कोई भी सिंगल पर्सन है, वो कोई से भी डाइवोर्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, किसी से भी अगर शादी करना चाहता है, तो ये गलती कभी भी मत कर लेना, अन्यथा दोबारा आपका डाइवोर्स पक्का हो जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पे मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, जाके आप देखिए। इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो, आपके जितने भी कमेंट आते हैं उनके सबके शॉर्ट वीडियो वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, होता है क्या कि आज की डेट में मैंने बोला कि भैया जो कि सौतेले माता पिता होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि एडोप्टेड करते नहीं हैं, उनको कानूनी तौर पे एडोप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, गोद नहीं ले पाते हैं। और उसके बाद में जब भी इनके मतभेद होते हैं तो उनको सबसे अहम जो रोल होता है वो बच्चे ही बन जाते हैं। फिर उसके बाद इतने सारे कमेंट आए, कहीं महिलाओं के कहीं पुरुषों के, कैसी सोच है, कैसी इनके एक मेंटेलिटी होती है ना, ये क्या नहीं, एक वीडियो से जज कर लेते हैं। सबकी रियलिटी ये है कि सबसे ज़्यादा लोग आज के डेट में इनसे पीड़ित होते हैं। जब इस टाइप के केसेज आते हैं तभी जाके हम कोई टॉपिक को उठाते हैं। तो इसमें होता है क्या, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी पति है जिसका डाइवोर्स हो गया, उसके पास बाल बच्चे हैं, ठीक है, अब वो किसी सिंगल लड़की से शादी करना चाह रहा है, ठीक है। अब सिंगल लड़की एक सौतेली माँ हो चुकी है उस बच्चों के लिए। अब वो पति क्या करेगा, कोशिश करेगा कि भैया मेरे अब बच्चे हैं। कई बार क्या होता है कि महिला बच्चों को लेकर नहीं जाती, पिता रख लेता है, ठीक है। अब पति बच्चों को रख लेता है तो उस कंडीशन में दूसरी वाली माँ आ रही है, वो सौतेली माँ हो गई। और कभी भी 100 में से 90% कोई महिला नहीं चाहेगी, क्योंकि सिंगल अगर लड़की आई है, सिंगल लड़की से आप शादी कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वो अपना बच्चा खुद का चाहेगी, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में जो आपके बच्चे हैं उनको वो कभी भी टेक केयर नहीं कर पाएगी, और आपका लगाव आपके बच्चों से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं से दूसरा बच्चा जब हो गया आपके बाई चांस, तो वही वजह जो आपका पहला बच्चा था वही वजह डाइवोर्स का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो महिला होगी वो अपने बच्चों पे ज़्यादा टेक केयर करेगी। उस कंडीशन में आपका जो बच्चा है उसकी वजह से कहेंगे मतभेद होंगे और डाइवोर्स हो जाएंगे। उसी प्रकार से एक महिला है, उसका डाइवोर्स हो चुका है, उसके पास बाल बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़के को तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं है, लड़की होती है उसको एक्सेप्ट कर भी लेते हैं लोग, लेकिन उस सिचुएशन बाय चांस मान लीजिए कर भी लिया, तो वो लड़की क्या कोशिश करेगी, वही वो अपने बच्चों को सेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सिंगल कोई फादर है या कोई डाइवोर्सी भी है, उसके कोई बाल बच्चा है नहीं, अब वो भी कहीं ना कहीं से अपना बच्चा पैदा करना चाहेगा, कोशिश करेगा, लेकिन महिला कभी भी 99% सोचेगी नहीं, सेकंड प्लानिंग, क्योंकि वो कहेगी भाई ऑलरेडी मेरे पास बच्चे हैं। लेकिन फिर भी बाय चांस वो अपने पति की खुशी के लिए कर भी ली, तो कहीं ना कहीं से उस पति की अटैचमेंट उस बच्चे से ज़्यादा रहेगा जो खुद का है। अब दूसरा वाला जो बच्चा लेके आई है पत्नी के पास था उसका, वो कहीं ना कहीं एक लिखित में स्टाम्प पे तो लिख सकता है, लेकिन वो कहने कानूनी तौर पे जो गोद एडॉप्शन का लॉ होता है उसमें एडॉप्शन नहीं लेता, और बच्चे को कभी भी आप एडॉप्शन नहीं ले सकते हो जब तक पिता की परमिशन नहीं होती, दोनों हस्बैंड वाइफ की परमिशन होगी तभी जाके लेओगे। अब यहीं पे आपके जाल में फंस जाती है और कहीं ना कहीं से आपका रिश्ता वहाँ पे टूट जाता है। जी हाँ, ये दोनों सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही महिलाओं की, और आए दिन की ऐसे कई सारे केसेज आ रहे हैं जिनके साथ ये बीत रही है। कमेंट में जरूर बता देना, जो मेंटेलिटी है, सोच जो डिसाइड करने वाले होते हैं उन लोगों को ये बता देना कि कितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही है। जी हाँ, तीसरी बात, एक और बात बता देता हूँ। कई बार होता है कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा डिस्प्यूट होता है, केस वगैरह चलता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब फाइनल इनका डाइवोर्स होता है वो म्यूचुअल में होता है। जी हाँ, अब म्यूचुअल में होता है तो इनकी एक कंडीशन समझ नहीं आती है, क्योंकि आप फिर वो जो भी पर्सन होता है वो वन साइडेड स्टोरी बताता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, ये बात आपको प्रैक्टिकल समझ लेना। अब वन साइडेड कई बार महिला क्या पति भी होता है उसका डाइवोर्स होता है उसकी माँ की वजह से हो जाता है, कई महिला होती है उसका एडल्ट्री की वजह से हो जाता है, घर वालों की वजह से हो जाता है, कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से हो जाती है, लेकिन वो चीज़ शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स उन्होंने एंड में जाके केस लड़के 2-4 साल केस लड़के म्यूचुअल में ले लिया, और सबको पता है कि एंड में केसों में जाके यही सेटलमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइजन होता है और म्यूचुअल में डाइवोर्स हो जाता है। अब आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअल में गलती क्या थी। ऐसी कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि भैया उनकी, जैसे एक लड़का था उसकी मदर की वजह से डाइवोर्स हुआ और लड़कियों ने शादी कर ली, आज के वो लड़कियों का सेकंड तलाक होने वाला है। इसे कहीं सारे प्रैक्टिकल हम केस देख रहे हैं आज के डेट पे भी। जी हाँ, उसी प्रकार से कई पुरुष भी ऐसे होते हैं कि भैया उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने एक तरफा स्टोरी सुनी और उसके एक साल बाद ही वही पत्नी पहले 15 लाख लेके आई थी वहां से, अब यहां भी 15-20 लाख की डिमांड कर रही है, ठीक है, तो वही चक्कर पड़ जाता है वहां पे। तो वन साइडेड स्टोरी कभी भी सुने सुनाए पे ध्यान मत दो और पूरी इसकी परख करो। मैं ये नहीं कह रहा कि डाइवोर्स तलाकशुदा शादी मत करिए, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई महिलाओं के साथ गलत भी होता है, कोई पुरुष के साथ गलत भी होता है, बिल्कुल करना चाहिए, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ जो हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए थोड़ी बनाते हैं, हमारा चैनल किसके लिए, प्रॉब्लम में फंसे हुए उनके लिए तो होते ना, तो यहाँ पे तो वही डिसाइड होगा, ठीक है। अब आपकी मेंटेलिटी जो सोच है वो आप अपनी सोच रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इस
मामलों में जो भी डाइवोर्स होते हैं उनका सेकेंड डाइवोर्स ज़्यादातर अगर बच्चे हैं तो बच्चे वजह बन जाते हैं, या फिर थर्ड पार्टी जो भी उनके रहे हैं वो आदतें कभी सुधरती नहीं हैं, या फिर उनका घर वालों का रिमोट की वजह से हुआ तो आने वाले टाइम में वो दिक्कतें फिर आपको क्रिएट होने लग जाएगी। जी हाँ, ये दिक्कत हमेशा आती रहती है, तो इस वजह से कई सारे बच्चे इसमें होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बच्चे की बात बता देता हूँ कि एक पत्नी का तलाक हो गया, अब उसके पास बच्चा है, अब वो दूसरी शादी करना चाहती है, वो दूसरा पिता बनाना चाहती है, मतलब कि भैया मेरे बच्चों को एक अच्छा पिता मिल जाए। लेकिन जब तक उसका पुराना हस्बैंड, क्यों पुराना हस्बैंड एडॉप्शन लिख के नहीं देगा, तब तक आपका दूसरा जो पति है उसको गोद ले नहीं सकता कानूनी तौर पर। और यही चीज़ें आप स्टाम्प पेपर पर लिखा लेते हो जो कि कोई मान्य नहीं होती है। जी हाँ, पहले अपने पति से, जो पहला पति है या पहली पत्नी से आपने बच्चा लिया, तो प्रॉपर उससे एडॉप्शन ले लीजिए एक बार कि भैया मैं बच्चों को गोद दे रही हूँ, इसका अब मेरे से लेना देना नहीं है, तभी जाके आप किसी और को एडॉप्शन करा सकते हो, उसका लीगली राइट उससे ले सकते हो आप, अन्यथा आपका लीगल राइट नहीं मिलेगा। जी हाँ, और ये गलती इस महिला हम इस जाल में कई महिलाएं फंसती जाती है क्योंकि रनिंग केस चलते रहते हैं। अब इनको सोशल मीडिया कहीं से भी थर्ड पार्टी मिल जाती है, वो पक्के वादे कर लेता है कि भैया तुम्हारे बच्चों को मेरा बच्चे मानूंगा, पापा मानूंगा, ये मैं, और जब तक इनका केस चलता है तब तक रिलेशनशिप में रहते हैं। डाइवोर्स होने वाला होता है उससे पहले या तो निकल जाते हैं, नहीं भी निकल पाते हैं तो फिर एक साल दो साल के अंदर इनका डाइवोर्स हो जाता है कि भैया मेरी तो शादी वैलिड नहीं है। ये सिचुएशन आज की डेट पे हो रही है। तो इस वजह से जब भी अगर कोई डाइवोर्सी पर्सन है, मैं एक के पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं बोल रहा, मैं दोनों के लिए देखा हूँ, क्योंकि दोनों साइड के केसेस ज़्यादातर देखा हूँ मैं, कि भैया हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, डाइवोर्सी हो, अगर उनके बाल बच्चे हैं तो प्रॉपर पूरी परख करके, पूरी जाँच पड़ताल करके ही आप आगे बढ़ी, ठीक है, तभी जाके आपकी शादी सक्सेस हो पाएगी, अन्यथा सेकेंड मैरिज आपकी फिर से डाइवोर्स की तरफ चली जाएगी। जी हाँ, बच्चा है, बिल्कुल आपके पास बच्चा है तो आप प्रॉपरली उसको एडॉप्शन कराइए। जी हाँ भाई, पति है चाहे वो पत्नी है, पुरानी वाली बीबी है या हस्बैंड है, उससे आप एडॉप्शन का एक ले लीजिए, से लेटर आप मान लें 500 स्टाम्प के पेपर पर लिख के दे देगा, सब कुछ भाई बच्चे से मेरा लेना देना नहीं है, मैं इसके गोद जो भी लेना चाह रहा उसको देने को तैयार हूँ, वो लिख के दे देगा इसका, ठीक है। उसी के बाद से जैसे पति है या पत्नी है, अब दूसरे वाले से शादी करना चाह रही, तो उसको लीगली मदर या लीगली फादर बनाइए आप लोग उसको, ठीक है, जो कम से कम वो कानूनी राइट तो रखे उन पर। जी हाँ, कानूनी राइट रखे, नहीं तो देखो हस्बैंड वाइफ कितने अच्छे तुम्हारा रिश्ता चल रहा है आज की डेट पे, आगे चलकर जब दोनों साथ में रहने लगोगे तो मतभेद जरूर होंगे, लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, तो इस वजह से इन चीज़ों का आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो पाएगा या कंटिन्यू चल पाएगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। या फिर से जो थोड़ी सी भी लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, थोड़ी सी भी इन चीज़ों की मतभेद आता है डाइवोर्स होने बाद, तो कहीं ना कहीं से कि मेंटल हरासमेंट सबसे ज़्यादा किया जाता है इनमें। जी हाँ, कि भैया तुम अच्छी होती या अच्छा होता है तो पहले वाले के साथ टिकती या टिकता, तो ये वाली जो बातें आती है, या फिर पुराना उनका कोई एडल्ट्री का मामला या अफेयर का मामला या घर वालों के रिमोट के मामला, इस टाइप की कोई हरकतें सामने आती है तो रिश्ते में मतभेद बढ़ते चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो रिश्ता अच्छा होने की बजाय पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। इस वजह से कई बार वो चीज़ें आप पहले प्रैक्टिकल जान लीजिए, सबसे बेटर है, अच्छे से जान लीजिए, तभी आगे चलकर अगर वो बात वापस निकल के आती है, और पूरी सच्चाई के साथ करिए। देखिए प्रैक्टिकल है, आपको शादी कोई मजाक नहीं होती, आप ये चीज़ सोचते हो कि किसी चीज़ों को छुपा के हम शादी कर लेते हैं, आगे चल के वो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है, और वही चीज़ छुपी हुई चीज़ें होती है वो आपके रिश्ते को पूरी बर्बाद कर देती है। इस वजह से कहीं ना कहीं से प्रैक्टिकल आप भी ऑनेस्टली रहिए, जो बंदा या बंदी कोई भी आपसे शादी करना चाहता है उसको प्रैक्टिकल बताइए कि भैया ये मामला था इस वजह से। अब इंसान क्या करता है कि 100 में से 99% क्या होता है, 100% कोई अपनी गलती नहीं बताएगा, वो वन साइडेड स्टोरी ही बताएगा। जी हाँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, जिसके तलाकशुदा हो चुके हैं उनकी वजह से, इस वजह से, इन गलतियों की वजह से आपका सेकंड डाइवोर्स वापस से नहीं हो जाए, इस वजह से थोड़ा प्रैक्टिकल बच्चों के लिए मैंने बता दिया कि आपको लीगली एडॉप्ट कराना पड़ेगा, लीगली फादर उनको मदर बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो ये सौतेले पिता है, सौतेले माता का या राइट का, जो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और अच्छे से उनकी टेक केयर कर पाएंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर आपका कोई पुराना मैटर है या मदर का ये उसका है तो उस चीज़ को पहले से माप लीजिए, या वो गलतियां हैं जिनको पहले गलती हुई पहले रिश्ते में, उस गलती को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि बार बार तलाक का कोई केस होते हैं, बार बार कोई खेल नहीं होता कि शादी करो तलाक लो, उनसे कोई मतलब है नहीं, तो पहले जो पुराने रिश्ते में, चाहे अपने आप को कहते हैं कि रिव्यूजन करिए अपने आप को। जी हाँ, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल कपल बन पाओगे, सक्सेसफुल हस्बैंड वाइफ बन पाओगे, तभी जाके आपकी शादी सक्सेस हो पाएगी, अन्यथा आप लोग फिर वही पुरानी आदतें वही पुरानी बातें लेके चलोगे तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टिक पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।